अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको वाटर पम्प, जिसे डंकी पम्प भी कहते हैं, उसकी रिपेयरिंग बताएंगे। अच्छा, इसके अंदर जो फॉल्ट आया था ना, सक्शन और आपके डिस्चार्ज प्रेशर है वो बहुत कम था, तो उसको जब खोल के देखा इसके वैल्व वगैरह, तो वैल्व इसके अंदर से निकला हुआ था। बेसिकली इसके पिन जो है वो अमूमन टूट जाती है, जिस वजह से वैल्व वगैरह लूज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो हमने इसे चेंज किया। अब जब इसे खेलो तो हमने वैल्व भी नए डाले, और ये पिन जो है असल में अगर कॉपर की लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मगर इसमें कॉपर ही की लगी हुई थी। बाकी ये कि फिर भी वो किस तरह से टूटी। और दूसरा ये कि इसके जो बोगी थी, तो वो बोगी साइड भी जो है अंदर से जब हमने खोल के देखा तो इसकी एक तो वॉशर जो है स्लिप, मतलब बड़े उसका होल जो है रगड़ लग के जो है वो होल बड़ा हो गया, और बोगी का भी होल बड़ा हो गया। देखें ये होल, देखें इसका कितना बड़ा हो गया, जबकि बहुत छोटा होता है। जो इसके अंदर शाफ्ट चल रही होती है उसके ऊपर ये फिक्स बैठता है। तो ये बोगी जो है शाफ्ट के ऊपर आ गई थी, जो बेकार हो गई थी, और एक जो है बोगी ऊपर ये सक्शन और डिस्चार्ज जो है कर रहा था। तो उस चीज़ को जब खोला तो पता चला कि इसके अंदर जो है ये बोगी भी जो है चेंज करना पड़ेगी, और इसका जो है ये बार बार इसके अंदर मसला आता रहता था कि इसके जो है ये वॉशर वगैरह और नट वगैरह स्लिप कर जाते थे, तो चेंज करना पड़ते थे। तो अब मैंने इसकी जगह जो है एक बोगी नट आता है, जो कहीं से भी शॉप से बड़ा आराम से मिल जाएगा, ब्रास का, जैसे नट ब्रास का बेसिकली वो नट होता है। तो वो बोगी जो है अब उसके ऊपर लगा दें, पूरे फिक्स हो जाएगा वो, और उसके ऊपर जो है जो आपकी शाफ्ट चल रही होती है उसके ऊपर से फिक्स कर दें इसी तरह से, तो आपकी जो है इससे जान छुट जाएगी। वो एक ही दफ़ा का है बोल्ट आपको लगाना है, और फिर बार बार जो है ये, मतलब कि जब आपका प्रेशर कम होगा, जब ये आपको बोगी सिर्फ चेंज करना पड़ेगी, वो नट जो है अपना काम करता रहेगा, क्योंकि ब्रास का है वो, ना गलेगा ना कुछ होगा, वो चलता रहेगा। तो हमने इसकी जो है पूरी रिपेयरिंग की है, इसे जो है वॉल्व वगैरह चेंज किए हैं, बोगी वगैरह चेंज किए हैं। बोगी का जो बोल्ट है, नट बोल्ट अभी दिखाऊंगा वो किस तरह का है, वो लगाया है। बेल्ट वगैरह चेंज किए क्योंकि बेल्ट भी ख़राब हो गए थे, और दूसरा ऑयल वगैरह इसके अंदर डाला है। तो हम ये कि इसकी ये वेल्व वगैरह भी चेंज कर रहे हैं। नॉर्मल बहुत आसान सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर पे बासानी आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आप ख़ुद भी जो है घर में आराम से अपनी ये चीज़ें वगैरह, अपने जो छोटे मोटे काम होता है, आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे कि हमने सारे वेल्व चेंज किए। अच्छा, चेंज करने से पहले वेल्व मैं ये कहूँगा कि इसकी आप जो वेल्व प्लेट है वो अच्छे से जो है ना साफ़ कर लें, और उसके जो किनारे हैं ना वो अच्छे से तरह से जो है ना किसी शार्प चीज़ से, नाइफ हो गई या दूसरा स्क्रू ड्राइवर कोई जो हो गया, कि इसके किनारे अच्छे से जो है साफ़ कर लें, क्योंकि रबड़ जो सील होती है ना वो इसके ऊपर जो है ना लग जाती है। आप निकाल देते मगर उसके जो है ना कुछ रबड़ रह जाती है, जब आप दोबारा लगाते ना अगर बगैर साफ़ किए, तो वहाँ से जो है ना पानी, वो आपका जो है लीकेज एक तरह से थोड़ी सी रह जाती है, तो जिस वजह से जो है आपके सेक्शन के अंदर, मतलब के आवाज़ आ रही होती है जब मूवमेंट के, कहीं ना कहीं से एयर ले रहा होता है, डिस्चार्ज में फिर मसला आता है, क्योंकि प्रेशर ही नहीं बन पाता उस लीकेज की वजह से। अगर कहीं से भी वो रबड़ आपकी सील सही से नहीं बैठी, वो यही वजह होती है, सबसे सही से सफाई नहीं होती, तो उस वजह से जो है ये मसला आता है। तो हमने ऐसे पहले स्क्रू ड्राइवर से ही साफ़ किया, इसकी रबड़ वगैरह जो निकल सकती थी उसको निकाला सही से, और दूसरा फिर इसको ऊपर जो है ना हार्पिक डाल के इसे जो है ना साफ़ किया। हार्पिक ये कि आपका जंग वगैरह और जो भी ऐसे ये चीज़ें होती ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है, तो वो डाल के छोड़ दें, उसको साफ़ करें ब्रश वगैरह से, तो बेहतरीन साफ़ हो जाता है, सफ़ाई अच्छी हो जाती है। पहले इसके एजेस वगैरह सारे किनारे जो हैं जहाँ रबड़ की सील बैठेगी उसको साफ़ किया बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कहीं से एयर ना ले, क्योंकि पहले ऐसा ही हो चुका है, मैंने डायरेक्ट लगा चुका था, तो फिक्स करने के बाद चला के देखा तो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। जब चलाने के बाद ही पता चलता है वो हवा वगैरह की आवाज़ से, एयर की जैसी जो है ना आवाज़ आ रही होती है। तो ऐसे ही है कि हार्पिक डाल के साफ़ किया, तो ये बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि किस तरह से कालक निकल गई इसके अंदर से, सारी जो है रबड़ है और दूसरा ये जंग वगैरह भी इसके अंदर से ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो आपके जब आप फिक्स कर बैठाएंगे इसे, फिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है ये बैठेगा, और सील वगैरह जो है बहुत अच्छे से इसके ऊपर, मतलब कि बैठ जाएगी, अलग ग्रिप अच्छी बन जाएगी। तो इसका अच्छे से साफ़ करने का जो है ना वजह यही थी कि सील वगैरह अच्छे से बैठे, और सक्शन और डिस्चार्ज में जो है ना कोई, मतलब कि प्रेशर अच्छा बने, सक्शन के भी जो है प्रेशर अच्छा हो और डिस्चार्ज का भी।
तो इसकी जो है जहाँ प्लेट बैठी जाएगी उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, सारे हाथ वाथ से फेर के देख लें कोई रबड़ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मसला करे बाद में। अब ये है कि इसके अंदर हम ये वेल्व बिठा दे रहे हैं, वेल्व जो है जो तरीके से जिस तरह निकाले उसी तरह से वेल्व लगाए जाएंगे। और दूसरा ये कि प्लेट जो कभी ऐसा होता है बंदा भूल जाता है कैसे बैठाएंगे, तो इसके अंदर जो है ना दोनों साइड्स पे अलग अलग जो है आपकी ये पोर्शन बने हुए होते हैं, तो अगर कभी याद ना रहे तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। आप उसको उसी तरह से बस ये कि बिठा दें जो डायरेक्शन हो वेल्व की ना, जो उसके ऊपर शेप बनी हुई हो। अब मैं जिस बोगी नट की बात कर रहा था वो ये है, नट बोल्ट है ये ना, ये देखें ये जो है ना इसके ऊपर बोगी फिक्स हो जाएगी, बैठ जाएगी आमने सामने, उसी तरीके से बिठाना है ये। और इसको जो है इसी का जो है बोल्ट जो है फिक्स कर देना है, इससे कि ये आपका जो है ना ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी, झंझट ख़त्म हो जाएगी, बार बार चेंज करना पड़ता है। इसी वजह से जो है ना ये मोटर के अंदर जो है प्रेशर का मसला आता है। और इसके अंदर जो 15 का बोल्ट जो है ना साइड जो है वो बाहर की तरफ आएगी, और जो बड़ा वाला नट है ना वो अंदर की तरफ जाएगा। अब ये देखें ये बड़ा वाला जो नट है वो अंदर की तरफ बैठेगा, अंदर की तरफ जाएगा, और ये पूरा समझ लें नट ही है एक तरह से जो उस शाफ्ट के ऊपर मतलब टाइट होगा। ये हमने जो है इसके ऊपर आराम से बड़े अच्छे तरीके से इसको बिठा देना है। असल में जो बूगी जो है जब हम नई नई लगाते हैं तो थोड़ी सी जो है वो होती तो थी साइज़ की, मगर जाने में मसला करती है, तो आप उसको थोड़ा सा पानी में डाल के रखें और फिर हल्के से जो है किसी भी चीज़ से चोट दे के उसके एजिस को जो है ना मतलब अंदर की तरफ कर दें, ताकि ये अपने जो बुगी की जगह है वहाँ पर जाके मतलब आसानी से बैठ जाए। अभी ये देखें इसे टाइट कर दिया है, और अंदर हाथ ला के भी देख लिया दूसरी साइड से कि हाँ कोई जगह तो नहीं रही, अच्छे से फिक्स कर दिया। और उसके बाद हम जो है सील वगैरह इसकी लगा के, रबड़ की जो सील है उसको लगा के उसके ऊपर वाल प्लेट रख कर और अच्छे से जो है इसको फिक्स कर देंगे। ये देखें इस तरह से जो है ये रखी जाएगी, क्योंकि सेक्शन सामने की तरफ है तो स्प्रिंग वाली जो साइड है वो इस तरफ आएगी फ्रंट की तरफ, और जो रबड़ वाली बैक साइड है जहाँ से ये पानी फेंकती है मोटर उस तरफ जो है रबड़ वाली साइड आएगी। अब हम इसको जो है अच्छा बिठा देंगे। और दूसरा एक है जब नट बोल्ट लगाएंगे तो उसके ऊपर ग्रीस लगा लेंगे, क्योंकि ग्रीस से होगा जंग नहीं लगेगा, और खोलते वक्त दोबारा जब खोलना हो तो आसानी से खुलेंगे। अगर ये ऐसे ही लगाएंगे तो एक है जंग लग जाता है, और फिर खुलने में जो है ना बहुत मसला करता है ये, तो ग्रीस से एक आसानी हो जाएगी। अब ये है कि इसको अच्छे तरीके से चारों बोल्ट को हम लगा देंगे। अब इसकी जो बोगी से वाली साइड को हम लगाएंगे, उस पर भी इसी तरह से ग्रीस वगैरह लगा के इसको हम फिक्स करेंगे रबड़ की सील के साथ। बेसिकली प्रेशर और जो कम होने की वजह होती है मेन बोगी का ही फॉल्ट आता है, या फिर अगर कभी बोगी बिल्कुल सही है तो फिर आपको ये खोल के देखना पड़ती है वेल्व प्लेट की है ना, यहाँ पर कोई मसला तो नहीं। क्यों अक्सर ये होता है कि इसके जो लॉक होता है ना कॉपर वाला वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, जिसके वजह से वो स्प्रिंग ही निकल जाता है, तो वो अपनी जगह छोड़ जाता है, फिर कैसे क्या सक्शन और क्या वो आपका पानी को रोकेगा। तो वैसे तो ये कि बोगी वाली साइड ही पहले देखना पड़ती है कि बिल्कुल सेट है, अगर वो नहीं है तो फिर बोगियाँ चेंज करें, और फिर वेल्व वाली फिर भी मसला है तो फिर वेल्व की तरफ आना पड़ता है। अभी ये कि हमने ऑयल देखा, इसका ऑयल भी कम था तो ऑयल भी डाल देंगे इसके अंदर। ऑयल डालने से कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आवाज़ शोर जो है कम हो जाता है, और जो आपका पिस्टन पम्प है वो काफ़ी जो है लॉन्ग टाइम आपका जो है चलता है, क्योंकि ऑयल से जो है आपकी रगड़ का जो अंदर की जो रगड़ है वो ख़त्म होती है, और शोर भी जो है ना मतलब कि बहुत कम हो जाता है। जो अमूमन जो है शोर होता है वो ऐसे ऐसा होता है कि ऑयल जो है नहीं डालते या कम हो जाता है, उसी वजह से जो है पंप के अंदर काफ़ी आवाज़ आती है। इसका ऑयल डालने के साथ इसके बेल्ट भी चेंज किए थे, क्योंकि बेल्ट लूज़ हो गया था काफ़ी, तो एक वजह वो भी होती है कि जो आपका प्रेशर कम होता है कि बेल्ट वगैरह भी देखना पड़ता है भाई। और इसकी सेटिंग होती है, अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे तो आपके बेल्ट गर्म हो गए, तो हमें जो है ना ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा टाइट ना हो। इसकी सेटिंग होती है मोटर की साइड से, वहाँ से लूज़ करें टाइट करें, ताकि जो है आपके बेल्ट की सेटिंग अच्छे से बन जाए और बेल्ट गर्म ना हो। अब हम ये कि पानी डाल के चेक करेंगे भाई सही से सारा कम पम जो है काम कर रहा है। अभी देखें पानी डालना उन्हें फ़ौरन फेंक रहा है, और सेक्शन प्रेशर भी जो है ना बड़ा अच्छा बता रहा था जब हमने इसको जो है हाथ रख के इसका चेक किया, तो
बिल्कुल जो है ओके काम हो गया है माशाल्लाह से, और बेहतरीन जो है पम्प अभी चल रहा है। ये तो एक छोटा सा ही काम था एक तरह से, जो हम घर में ख़ुद से भी कर सकते हैं और अमूमन लोग घर में ही खुद ही करते हैं। अब ये कि बूगी वाला जो एक प्रॉब्लम था मेन वही था बताना कि अमूमन जो है हर कोई फेस करता है, तो मैंने जो है उसका क्या एक तरह से सॉल्यूशन मिला वो बता दिया कि वो नट आता है वो पूरा नट ही डाल दें फैट डाल दें तो फिर ये कि इंशाल्लाह वो मसला नहीं करेगा। अब ये कि सक्शन वगैरह बेहतरीन बन रहा है, फिर प्रेशर भी अच्छा होगा, सारी चीज़ें जो हैं बेहतरीन काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया।